नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक सीएससी बीएलई है तो आपको पता होगा कि सीएससी के सर्विसेज में काम करने की वजह से हमें कुछ न कुछ कमीशन दिया जाता है, लेकिन उसमें से कुछ अमाउंट को कट कर लिया जाता है एज ए टीडीएस के रूप में। अगर आप आरटीआर फाइल करोगे तो कटा हुआ टीडीएस अमाउंट को आपके अकाउंट में दोबारा से ट्रांसफर कर दिया जाएगा, या अगर कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअल आदमी अगर आपसे आरटीआर फाइल करवाता है तो उसके लिए आपको अच्छा कमीशन दिया जाएगा और आप अपने सीएससी सेंटर से ही किसी का भी आरटीआर को फाइल कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम आरटीआर को फाइल करने का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। बेल भाई, यहां पर कुछ इस तरह का मैसेज सभी सीएससी बीएलई भाइयों को भेजा जा रहा है। प्री बीएलई सीएससी एक बार फिर लाया है बीएलई सुपर धमाका ऑफर। टेक्स्ट टू विन द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए आरटीआर फाइल करें और इनाम जीते मौका चुने। यहां पर एक लिंक भी आपके साथ साझा की गई है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। इस मैसेज को मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। दोस्तों, सीएससी से आरटीआर फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉग इन हो जाना है और सर्च बॉक्स में सिंपल सा आपको टाइप करना टेक्स्ट टू विन। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पेज पर आएंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर खुलता है। यहाँ पर कुछ ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं सभी सीएससी बीएलई भाइयों के लिए। यहाँ पर उसकी जानकारी को दे दी गई है और यहाँ से आप इन सारे ऑफर्स को ले सकते हैं। आप इसमें काम करके इन सारे चीज को विन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिंपल सा नीचे चले आना है आरटीआर फाइल करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर आरटीआर फाइल करने के लिए आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को मांगी गई है, जैसे पैन कार्ड, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर। यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट डिटेल और मांगी गई है, अगर आपके पास हो तो दे दें वरना छोड़ दें। ईमेल आईडी, इनकम टैक्स का पासवर्ड, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अगर आपने आईडी बना रखी है तो उसका पासवर्ड यहाँ पर दे देंगे। और यहाँ पर नीचे चले आएंगे तो यहाँ पर यूजर टाइप दे रखा। बिल भाई, यहाँ पर अगर अपना आप टीडीआर फाइल कर रहे हैं तो बीएलई पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप इंडिविजुअल है किसी और यूजर का कर रहे हैं या फिर किसी सिटीजन का कर रहे हैं, सिटीजन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पर आपसे एड्रेस मांगा गया है और यहाँ पर आपसे नीचे बैंक डिटेल्स मांगी गई है, डिटेल्स ऑफ ऑल बैंक अकाउंट। जितने भी आपके पास बैंक अकाउंट हो सबकी डिटेल यहाँ पर आपको फिल करनी पड़ेगी। फर्स्ट में आपको आईएफएससी कोड डालना है, बैंक अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद अगर आपके पास और बैंक है तो इस पर आपको क्लिक करेंगे तो एक नया लाइन इसमें जुड़ जाएगा, उसमें आपको अपनी डिटेल को फिल कर देंगे। उसके बाद आप जैसे ही नीचे आएंगे, यहाँ पर आपसे इनकम ऑफ सोर्स लिखा गया है, क्लाइंट का इनकम ऑफ सोर्स क्या है उसके बारे में आपको जानकारी देनी है कि आपके इनकम का सोर्स क्या है। सैलरी है तो उसको यहाँ पर आपको देख लेना है। सैलरी को इनकम नहीं माना जाता इसलिए यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। अदर इनकम कोई हो तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगर बिजनेस से रिलेटिव अगर आप बिजनेस मैन है तो उसकी भी जानकारी यहाँ पर दे देना है। अगर आप एक सीएससी बीएलई है तो आपको इस पर सेलेक्ट कर देना है फर्स्ट, क्योंकि सीएससी बीएलई का लगभग 20 लाख से नीचे ही टर्नओवर होता है पर ईयर का। उसके बाद यहाँ पर आपसे नीचे अगर आपकी आय 25 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको सिंपल सा उस पर टाइप कर देना। अगर आपको नहीं पता है तो नॉट श्योर पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे आपको एक और ऑप्शन दिया जाएगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे आपका पैन कार्ड को अपलोड करने का ऑप्शन दे रखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप जहाँ भी पैन कार्ड को स्कैन करके रखे हैं वहाँ पर लेके चले जाएगा। उसके बाद आप इसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके लिए दे रखी है। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर दे रखा है आपका, देखिए सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर सिलेक्टेड रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आई एग्री डेट पर क्लिक करेंगे, सबमिट बटन यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपकी क्या इसके लिए चार्ज किए जाएंगे उसकी जानकारी को दे रखा है। यहाँ पर आपका जो प्लान प्राइस आपका है 500 रुपये का, जीएसटी यहाँ पर आपको 90 रुपये देने हैं, तो एनुअल आपका जो टोटल अमाउंट हो गया 590 रुपये का हो गया। उसके बाद पेमेंट करने के लिए आपको यह रिडायरेक्ट कर देगा आपके वॉलेट के पेज पे। यहाँ पर आपसे 365.08 रुपये का पेमेंट लिया जाएगा और आपका जो भी पेमेंट है वो यहाँ पर दिखाएगा। यहाँ पर लेकिन आपके लिए 590 रुपये का चार्ज दिया गया, यानी आपको इसमें कमीशन भी भारी मिलने वाला है। तो गाइस, यह थी छोटी सी जानकारी सीएससी से टीडीआर को फाइल करने की। वीडियो में कहीं कोई कमी रह गई तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ में चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और इस कमाल की इन्फॉर्मेशन को सभी बीएलई भाइयों तक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।